जलालपुर सिटी का निर्माण किया, उसमें एक मेरा कंसेप्ट था कि एक सोसाइटी लिविंग होना चाहिए, एक टाउनशिप होना चाहिए जिसमें स्विमिंग पूल हो, टेंपल हो, लोगों का रहने के लिए गार्डन हो, जिम हो, टेबल टेनिस हो। तो एक सपना था जिसको मैंने 2010-11 में कंप्लीट किया। उसके बाद अचानक इस बीच में ये वाटर पार्क का कुछ लोगों के माध्यम से मैं इसमें जुड़ा और ये वाटर पार्क आज ईस्ट इंडिया के सबसे बड़े वाटर पार्क के रूप में जाना जाएगा। इवेंट कलकत्ता में इतना बड़ा वाटर पार्क नहीं है। कुछ हमारे स्लाइड्स हैं जो 60 फीट का स्लाइड है, वो कलकत्ता में नहीं है, दिल्ली में नहीं है। हमारा एक फनेल स्लाइड है जो इंडिया में 2-3 जगह ही है। क्योंकि मैं नया वाटर पार्क का निर्माण कर रहा था तो मैंने सभी चीज़ों को ध्यान देख के किया कि भाई वाटर पार्क ऐसा बने जिसमें पटना का एक नाम हो कि नहीं पटना में एक वाटर पार्क है, बिहार में एक वाटर पार्क है जो इंडिया में कम्पीट करता है और वाटर पार्क से। और मैं उपस्थित दर्शकों का भी स्वागत करता हूँ। बबले जी बता रहे थे ये ईस्टर्न जोन में सबसे बड़ा वाटर पार्क है। पटना तो गरमाई स्थल रहा ही है। पटना में जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से पटना देश का एक चेहरा बन चुका है, बिहार खासकर पटना। आज उसी के उपलक्ष्य में इस वाटर पार्क का उद्घाटन हो रहा है। ये पटना से जुड़ा हुआ है। हमारे पत्रकार मित्रों भाई आए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा इसको बढ़िया से आप दिखाएं, छपास का भी दिखाएं और देखास का भी दिखाएं कि लोग देखे टीवी में भी और छपे भी। इस पटना के सुंदर नगरी में इस तरह के संसाधन होने से जो हमारे बाहर के जो लोग आ रहे हैं, बिहार के बाहर के लोग जो इको गार्डन देखना चाहते हैं, बिहार म्यूजियम देखना चाहते हैं, जो हमारा बिहार का बापू स्मारक और ज्ञान भवन और संस्कृति द्वार देखना चाहते हैं, और उसके बाद समय बचता है तो इस वाटर पार्क में भी आ कर के अपनी पूरी ढंग से इंजॉय करने का काम करेंगे। एक बड़ी ही अच्छी व्यवस्था यह करने का काम की गई है। चूँकि आनंद जो मनोरंजन होता है, बच्चे का अलग, बड़े का अलग, बुजुर्गों का अलग, महिलाओं का अलग, अलग अलग लोग मनोरंजन लेते हैं, अलग अलग लोग खेल में शरीक होते हैं, लेकिन ये कैसा वाटर पार्क है, इसमें बच्चे बड़े महिलाएं पुरुष परिवार के सभी लोग आते हैं, इसको एंजॉय करते हैं।
हमारे को श्याम रजक जी सही बताए, संजय जी सही बताए कि दो वाटर पार्क खुल चुका था और यह तीसरा है। भाई कमलेश जी से मेरा पुराना परिचय, उन्होंने विस्तार से इस बातों को बताने का काम किए कि ये देश का एक यूनिक जो वाटर पार्क बनेगा, मेरी शुभकामना है। बिहार का जो इतिहास है वही तो हिंदुस्तान का प्राचीन इतिहास, इससे बढ़िया तो कहीं का है नहीं। और फिर से वही प्राचीन पटना की जो गरिमा थी उसी को, प्राचीन बिहार की जो गरिमा थी उसी अनुसार ही पार्क बनाए हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही काफ़ी बड़ा भी है। इसलिए उनको कमलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। छपरा के आदमी अगर चाहेगा वाटर पार्क आने के लिए तो ये सड़क में बात कर रहा हूँ, ये 4 लेन बनेगा, रिंग रोड एक्सप्रेस वे बनेगा, हजारों करोड़ रुपया इसमें खर्च होने वाला है। आराम से आदमी 4 घंटा 1 घंटा में आपके पार्क में छपरा से ही पहुंच जाए। तो इसलिए जरूरी है, अगर बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं आपके यहाँ तो हम जरूर चाहेंगे कि आप बेहतर सुविधा लोगों को देने का काम करें। आपने कहा कि साहब देश के दूसरे राज्यों का अध्ययन करके आपने कुछ नया जोड़ा है, तो बड़ा बढ़िया काम किया। हम भी बड़ा घूमते रहते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, कहाँ कहाँ जाते हैं, सब जगह देखते हैं। एक से एक बच्चों के खेलने की जगह देखते हैं, बच्चों के समय बिताने की जगह देखते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर लोग तो मेरे विभाग में ज्यादा रहता है तो इंजीनियर लोग के बारे में ज्यादा हम जानते हैं। आप अगर इंजीनियर हैं और आपने एक नया प्रयोग किया तो मुझे जरूर उम्मीद है कि नया प्रयोग बहुत सार्थक होगा, अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल होगा और आपका ये पार्क बच्चों के लिए जो अपेक्षा हम सबकी है उस अपेक्षा पे खरा उतरेगा, बच्चों का मनोरंजन करेगा, परिवार को यहाँ आने के लिए बच्चे विवश करेंगे। इस उम्मीद विश्वास के साथ मैं फिर से एक बार आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।